आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। ये सिर्फ सैंपल है, द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। आपको गर्व होगा कि भारत ने इतने तेज फैसले लिए, इतनी तेज गति से काम हुआ। देश के हर किसान को पीएम किसान योजना के दायरे में लाने का फैसला डन, किसान मजदूर दुकानदार को पेंशन देने की योजना डन, पानी जैसे अहम विषय पर साइलोस खत्म करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन डन, मिडिल क्लास के अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड डन, दिल्ली के 40 लाख लोगों को घरों पर अधिकार देने वाला कानून डन, 3 तलाक से जुड़ा कानून डन, चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ सख्त सजा का कानून डन, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अधिकार देने वाला कानून डन, चिटफंड स्कीम के धोखे से बचाने वाला कानून डन, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट डन, कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कमी डन, रोड एक्सीडेंट्स की रोक के लिए सख्त कानून डन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन डन, देश को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन की डिलीवरी डन, बोडो पीस अकॉर्ड डन, ब्रू रियांग परमानेंट सेटलमेंट डन, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। ये कभी कभार टाइम्स नाउ पर देखता हूं, न्यूज 30, इतनी मिनट में इतनी खबरें, ये कुछ वैसा ही हो गया। और ये सिर्फ सैंपल है, और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। मैं नॉनस्टॉप ऐसे अनेकों फैसले और भी गिना सकता हूं, सिर्फ सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी लग सकती है, लेकिन ये फैसले गिनाकर मैं जिस पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूं उसे समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आज देश दशकों पुरानी समस्याओं से समाधान करते हुए 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे युवा देश को जितनी स्पीड से काम करना चाहिए, हम वैसे ही करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब भारत समय नहीं गंवाएगा, अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है।
आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज देश की महिलाओं में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपना दम खम दिखा सकती हैं, नए कीर्तिमान बना सकती हैं। आज देश के किसान में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो खेती के साथ ही अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर भी काम कर सकता है। आज देश के उद्यमियों में, व्यापारियों में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज के भारत ने, आज के न्यू इंडिया ने अपनी बहुत सी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े थे, करोड़ों लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं था, घरों में टॉयलेट्स नहीं थे। ऐसी अनेक दिक्कतें थी जिनमें देश के लोग और देश उलझा हुआ था। अब ऐसी अनेक परेशानियां दूर हो चुकी है। अब भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। और आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना था कि देश में कभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? कभी नहीं। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 70 साल में पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा और न ही किसी ने जवाब दिया। अब हमने लक्ष्य रखा है, सवालों का भी सामना कर रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे भी हैं।